यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी को एक बार फिर कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुना गया है। अपने भाषण में सोनिया गांधी ने 17वीं लोकसभा के चुनाव को बेहद कठिन चुनाव करार दिया। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में यूपीए की प्रमुख सोनिया गांधी को एक बार फिर कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुन लिया गया। संसद के सेंट्रल हॉल में हुई बैठक में सोनिया गांधी को कांग्रेस के लोकसभा के लिए नवनिर्वाचित 52 सदस्यों और राज्यसभा के सांसदों ने अपना नेता चुना। अपने भाषण में सोनिया गांधी ने कहा कि हम सभी ने अपने राजनीतिक करियर का सबसे कठिन चुनाव लड़ा है। उनके असीमित संसाधन, आमरय को तोड़ने मरोड़ने की योग्यता और शरारती दुष्प्रचार की पूरी चुनावी मशीनरी के खिलाफ हम खड़े थे। सोनिया गांधी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं का खासतौर से आभार जताया जो पिछले 5 साल से जमीन पर संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने उन 12.13 करोड़ वोटरों को भी धन्यवाद दिया जिन्होंने दोबारा कांग्रेस में विश्वास जताया। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी भी शामिल थे। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए वोटरों और पार्टी के कार्यकर्ताओं को शुक्रिया कहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के हर सदस्य को याद रखना चाहिए कि आप सभी संविधान के लिए लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई देश के सभी नागरिकों के लिए है, भले ही उनका रंग या मजहब कुछ भी हो। उन्होंने कहा कि नागरिकों से जुड़े बुनियादी मुद्दों को लेकर उनकी लड़ाई जारी रहेगी। No, he said that the issues that need to be raised, the issues that touch the people of this country, be it farmers, be it unemployment, be it women, these are the issues that we really need to raise our voices against, that the people's voices should be heard in parliament, that people, be, like, as we know, yesterday the government released figures, in 45 years unemployment has its worst scenario. That is something we really need to fight for in parliament and make sure that the government moves in the right direction. लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद राहुल गांधी ने पहली बार किसी बैठक में हिस्सा लिया और लोगों को संबोधित किया। इससे पहले उन्होंने पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की पेशकश की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।